राज्य विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण परिषद की ओर से शिमला के पीटरहॉफ में दो दिवसीय द्वितीय हिमाचल प्रदेश विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान पद्म भूषण व पद्मश्री डॉ. वी.के. सारस्वत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में विभिन्न विभागों के करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। शिमला की पीटरहॉफ में भारतीय हिमालय क्षेत्र में टिकाऊ आजीविका के लिए विज्ञान व तकनीकी खोज विषय पर देश भर के 100 से अधिक संस्थानों के करीब 500 प्रतिनिधि कृषि और बागवानी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान व वानिकी, वनस्पति विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इस सम्मेलन में राज्य के शोधकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश के योगदान को प्रदर्शित करने और नामचीन विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति निर्धारकों के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा। इस दौरान विभिन्न संस्थानों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधि अपनी खास रुचि दिखा रहे हैं। सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉ. वी.के. सारस्वत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्र में टिकाऊ आजीविका के व्यापक अवसर हैं और प्राकृतिक महत्व को बनाए रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र व आर्थिकी को मजबूती प्रदान करने की काफी संभावनाएं हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं लाइवलीहुड की, वो बहुत सी जगह में नहीं है। देखिए, ये एक तो एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, यहाँ पे जो मतलब बी कल्टीवेशन है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। तो हिमालयन रीजन के लिए एनर्जी वाइज, एग्रो प्रोडक्ट्स वाइज बहुत अच्छा पड़ा है। प्लस यहाँ के जो स्पेशल फॉरेस्ट रेसिड्यूज़ हैं, उनसे हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, उनसे हम खाद बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है जो कि इकोसिस्टम को भी बनाए रखेगा, सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखेगा और इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करेगा। ये कांग्रेस जो यहाँ ऑर्गेनाइज की है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे जो है साइंस का डिसेमिनेशन होता है। इससे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साइंटिस्ट को आपस में बातचीत करने का मौका मिलेगा और जो भी पेपर्स प्रेजेंट होंगे, जो भी बातचीतियाँ होंगी, अभी जैसे ये एग्जीबिशन लगी है, इसका हमारे स्टूडेंट्स कल आएंगे देखने के लिए, उनको कितना असर होगा। तो उसमें साइंस के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ेगी और उससे वो साइंस को अपनाएंगे। वहीं विज्ञान सम्मेलन के आयोजक व हिमाचल प्रदेश विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण परिषद के संयुक्त सदस्य सचिव कुणाल सत्यार्थी ने सम्मेलन के उद्देश्य और महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिषद का मकसद सभी शोधकर्ताओं व शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर दोहन के उपाय निकालना है। प्रोग्राम है ये, सेकंड हिमाचल प्रदेश साइंस कांग्रेस किया जा रहा है और इसमें मंशा ये हमारी है कि पूरे प्रदेश के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8-10 थीम में काम हो रहा है इसमें, तो सारे रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, वो एक जगह एकत्रित हों और अपने जो रिसर्च कर रहे हैं वो 1 साल से 2 साल से उसको शेयर करें और फ्यूचर की गति भी निकाल सकें कि इसमें क्या करने की ज़रूरत है। तो एक जगह ये मुहिम है कि सारी रिसर्च, चाहे CSK पालमपुर है, चाहे UHF नौनी है, चाहे भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, IIT मंडी है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का और अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटकर इनके सब साइंटिस्टों को एक साथ करने की मंशा। 21 नवंबर को सम्मेलन के समापन पर प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।